हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सोम क्रिएशन। आज मैं लेके आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो ह्यूमन बॉडी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। वीडियो का सारा क्रेडिट मैं भोपाल समाचार पत्र को देना चाहूँगा। पहले संक्षिप्त में जानते हैं दोस्तों, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे। 8 साल का बच्चा हो या 60 साल का अनुभवी व्यक्ति, यदि उसे छींक आती है तो उसकी आँखें अपने आप बंद हो जाती है, पलक झपक जाती है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? भारत के बुजुर्ग कहते हैं कि छींकते समय यदि आंखें बंद नहीं की तो आंखों की पुतलियां निकलकर गिर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट निक्लेरियो का दावा है कि छींक का आंखों से कोई रिश्ता नहीं होता। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने आँखें खुली रख कर छींक कर बताया, लेकिन फिर भी मनुष्य के शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। आइए जानते हैं दोस्तों। Bless you. अभी जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य को छींक क्यों आती है। सत्याग्रह के पत्रकार एवं ब्लॉगर सुश्री अंजलि मिश्रा बताती हैं कि इसका कारण समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हमें छींक क्यों आती है। होता यूं है कि सांस लेने के रास्ते में जब कोई बाहरी कण जैसे धूल या महीन रेशा वगैरह अटक जाता है तो उसे साफ करने के लिए शरीर जो प्रक्रिया अपनाता है वह छींकना कहलाती है। जब इस तरह का कोई अवरोध श्वास नली में अटकता है तो दिमाग की ट्राइजोमिनल नर्व या तंत्रिका को अव्यवस्था का एक संदेश जाता है। इसके बाद दिमाग शरीर को यह अवरोध हटाने का आदेश देता है, जिसकी प्रतिक्रिया में फेफड़े ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इकट्ठी कर उसे जोर से बाहर निकालते हैं। दबाव के साथ हवा बाहर निकलने के चलते अवरोध पैदा कर रहे घटक भी बाहर चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी के जो भी सारे पार्ट्स हैं, इसको एक बायोलॉजी के टीचर या स्टूडेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हमें छींक आने के बारे में साइंस टीचर क्या कहते हैं। साइंस के टीचर श्रीमती शैली शर्मा ने बताया है कि छींकना एक प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे पलकों का झपकना, गर्म चीज पर हाथ रखते ही हाथ का अपने आप हटना, स्वादिष्ट भोजन देखकर या सुनकर मुंह में ला आना, कांटे पर पैर रखते ही पैर का हटना आदि, इन सब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचने के पहले ही एक्शन हो जाता है। अभी जानते हैं दोस्तों, छींकते समय आंखें बंद क्यों हो जाती है। जहां तक छींकने के दौरान पलक झपकने का सवाल है, इसके लिए वैज्ञानिक ट्राइजोमिनल नर्व को ही जिम्मेदार बताते हैं। ट्राइजोमिनल नर्व तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा होती है जो चेहरे, आँख, नाक, मुंह और जबड़े को नियंत्रित करती है। दरअसल छींकने के दौरान अवरोध हटाने का दिमागी संदेश यह तंत्रिका आँखों तक ही भी पहुँचा देती है और इसकी प्रतिक्रिया में ही हमारी पलकें झपक जाती है। यानी कि छींकने के समय पलकों के झपकने का कोई खास मतलब है नहीं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर इससे जुड़े मिथकों को छोड़ें और जब भी छींके बस रुमाल थाम कर छींके।